फाइनली लेके आ चुके हैं लेनोवो की तरफ से एक और प्रोडक्ट, एक और लैपटॉप, जो कि इस बार हमें गेमिंग तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ गेमिंग है भी सही और नहीं भी, मतलब कि ऑफिस वर्क्स, कोडिंग और गेमिंग तीनों मिक्स हैं और बजट भी है। बजट मैं इसका बता देता हूँ, प्राइस है इसका 53990 अभी इसका प्राइस चल रहा है, यानी कि 54,054,000, मेरे को दो ही भाषा आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, 54,000 के अप्रोक्स इसका प्राइस चल रहा है और ऑफर्स के हिसाब से तो मैं 50,000 के आसपास में मिल जाएगा। और फिलहाल मैं इसका मॉडल बता देता हूँ, आइडिया पैड 3 है, पिछली बार गेमिंग 3 था लेकिन इस बार आइडिया पैड 3 है। और इसके सेवा में मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है और इंटेल का प्रोसेसर है इसके अंदर i5 11th generation, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर MX330 NVIDIA का 2GB का ग्राफिक्स कार्ड है, इसीलिए मैंने कहा था। और हाँ, गेमिंग ये उनके लिए है जिनको सिर्फ गेमिंग का शौक है, हाई एंड भी नहीं, लो एंड भी नहीं, मीडियम मीडियम और हाई के भी बीच में, मतलब इतना एक मान के चलो, ज़्यादा हाई भी नहीं कर सकते और मीडियम और लो नहीं, बीच में बिल्कुल, ठीक है। तो फटाफट से ये बातों को साइड रखते हैं और सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया, चलो। डब्बा खोलते ही हमें मिल जाते हैं ये तीन पर्चियाँ जिन्हें हम कहते हैं मैनुअल्स, ये कुछ है। सबसे पहले तो ये मिल जाते हैं, सेटअप गाइड मिल जाता है हमें, उसके बाद एक सेकेंड, सबसे पहले मिल जाती है हमें ये सेटअप गाइड जो मैं बता चुका हूँ ऐसे, फिर आता है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रीसेंट लेनोवो परचेज, फिर आता है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं और इनका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। साथ में हमें लैपटॉप हमने का ओ हमें एक और मिलती है, हमने तो देखा ही नहीं, ओके, फटने की कगार में आ चुकी है। सेफ्टी और वारंटी गाइड, इसका भी हमें कोई, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। आ जाते हैं हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट पे। लैपटॉप हमारा निकलता है कुछ इस कलर का, ग्रे या सिल्वर टाइप का कलर तुम कह सकते हो इसको, कंपनी से प्लैटिनम ग्रे के नाम से कहती है। लैपटॉप को रखते हैं एक बार हम साइड में और इसके अंदर हमें और क्या मिलता है, एक पावर कॉर्ड मिल जाता है, पावर अडैप्टर मिल जाता है, जो कि ये रहा, और बाकी हमें बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये है हमारे पास ये कोड, पावर अडैप्टर, मतलब कि नॉर्मल वैसे बताऊँ तो लैपटॉप का चार्जर, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने लैपटॉप पे, ये कुछ फॉर्म दे रखी है, ये भी कुछ फॉर्म दे रखी है, साथ में हमें दे रखे प्लास्टिक कवर के अंदर पैक होके आता है लैपटॉप, इसका भी कोई काम नहीं। तो देखो यार, नॉर्मल सी बात बताऊँ तो काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है, ये देखो बिल्कुल ग्रे स्लीक सिल्वर कुछ भी कह लो तुम्हें से, ये कुछ आता है और ये कुछ लुक्स है। पीछे के साइड ये इवेंट्स वगैरह दे रखे हैं, इनकी मैं भी बात करूँगा, एक ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टिकर दे रखा है और साथ में ये कुछ जो प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा सीरियल नंबर वगैरह, वो सामने से बिल्कुल प्लेन और स्लीक सा डिज़ाइन है। बात कर लेते हैं हम इसके लिड फ्लेक्स की, तो नहीं यार देखो मैं सीरियसली बताऊँ तो 60-65% तो इसमें भी है लिड फ्लेक्स, ठीक है, लिड में। और साथ में कीबोर्ड फ्लेक्स तो नहीं है, है थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, माइनर सा, 5% के आसपास का, ठीक है, ओके सॉरी। तो कीबोर्ड फ्लेक्स हमें मिल जाता है इसमें 5% के आसपास का। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज में इसमें ये जो वेरिएंट है इसमें मिलते हैं 512GB की SSD और 8GB की रैम, बट तुम इसे एक्सपैंड कर सकते हो 8GB को 16GB की रैम तक एक्सपैंड कर सकते हो, और साथ में 512GB की SSD को तुम 1TB की SSD से भी एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट लुक की, तो सामने से हम मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में इंटेल कोर i5, हाँ i5 की 11 जनरेशन है, मैं तुम्हें ये नहीं बताया था शायद, i5 की 11 जनरेशन है, साथ में NVIDIA का MX330 2GB का ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। साथ में मिल जाते ये दो स्टिकर्स हैं, एक कोर i5 का दे रखा है और एक NVIDIA का दे रखा है स्टिकर। उसके साइड में दे रखा है हमें आइडिया पैड स्लिम 3 का, मतलब कि वो स्लिप दे रखी है पूरी, उसके अंदर लिखा हुआ है प्राइवेसी शटर ऑन वेबकैम, साथ में दे रखा है डॉल्बी ऑडियो, मतलब कि डॉल्बी एटमॉस का ऑडियो का सपोर्ट है इसके अंदर, साथ में एक स्टाइलिश डिज़ाइन जिसकी हम बात कर चुके हैं। उसके नीचे मैंने दे रखा है ई सपोर्ट का QR कोड। देखो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एक वीडियो जो मैंने भी पिछली बनाई थी गेमिंग 3 के बारे में, आइडिया पैड गेमिंग 3 के बारे में, उसमें तो थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया था, मतलब है वो भी चीज़ लेकिन थोड़ी सी और भी है इसके अंदर,
वो ये है कि अगर तुम इस कोड को स्कैन करते हो तो तुम्हें एक मतलब कि वारंटी अपने लैपटॉप वगैरह में पता लग जाती है, या फिर तुम्हारा लैपटॉप रिफर्बिश्ड या ओल्ड लैपटॉप तो कंपनी ने तुम्हें नहीं भेज दिया यूज्ड, तो वो तुम्हें पता लग जाता है और इन वारंटी है, आउट ऑफ वारंटी जा चुका है लैपटॉप, कौन से ईयर का मैनुफैक्चर है, सब कुछ लैपटॉप की सारी डिटेल्स निकल जाती हैं उसमें, और साथ में कस्टमर केयर हेल्पलाइन वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसका बात कर लेते हैं, साइड में लेनोवो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और बात कर लेते हैं हम इसके कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में मिलती है एक सिंगल की बैकलाइट वाइट कलर की, और साथ में कीबोर्ड और की ट्रैवल मतलब की टैप्स और की ट्रैवल्स तो इसके सही है, बढ़िया है, मतलब कि एक प्रोफेशनल सा लगता है टाइप करते हुए ना, मतलब प्यारा सा लगता है। ठीक है, साथ में इसकी बात कर लेते हैं ट्रैक पैड यानी माउस पैड, ट्रैक पैड की बात कर लेते हैं, तो ट्रैक पैड मैं कहूँगा कि एवरेज है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा और ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा, नॉर्मल सा जो हर एक लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और गेमिंग करने तो ट्रैक पैड का यूज़ कौन ही करेगा, माउस, गेमिंग माउस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इसकी डिस्प्ले की, 15.6 इंच की हमें इसमें डिस्प्ले मिलती है, FHD IPS डिस्प्ले है, जिसकी कलर एक्यूरेसी एवरेज है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं हम इसके वेबकैम के, जो सामने दे रखा है, तो वेबकैम तो 720p का बेसिक सा वेबकैम है जो हर लैपटॉप में ही है, और साथ में एक तुम अगर नोटिस करोगे तो ऊपर लगा हुआ है प्राइवेसी शटर, तो प्राइवेसी शटर का देखो ये काम है, अगर तुम देख पा रहे हो तो मैं उसमें दे रहता हूँ बीरोल में, तो इसका प्राइवेसी शटर का काम देखो इतना है कि अगर तुम्हारा लैपटॉप हैक हो जाता है और तुम्हारा फिर लैपटॉप हैक हो गया तो वेबकैम भी हैक हो जाएगा, और वेबकैम हैक हो गया तो मान लो लैपटॉप की लिड ऐसे ओपन है और तुम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब कि जैसे जो भी है कुछ भी काम कर रहे हो, या तुम सामने पे अपना लैपटॉप चला के बैठे हो, तो कोई भी प्रेफर नहीं करेगा कि उसका वेबकैम से उसको कोई देखे या कोई भी प्राइवेसी वगैरह डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और वैसे तो कौन ही प्रेफर करेगा अपने लैपटॉप हैक होने को भी, लेकिन फिर भी एक प्राइवेसी शटर दे दिया कंपनी ने, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी बात है, अच्छी बात है कि दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके क्या कहते हैं, लैपटॉप की लिड ओपन होते ही ऑटोमेटिकली लैपटॉप ऑन हो जाता है, बट वो आप लेनोवो वेंटेज नाम से इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे आप इसको बंद ही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक पावर बटन दे रखा है राइट साइड कॉर्नर पे, और वो तभी यूज़ आता है कि अगर आप उस फीचर को बंद कर दो ऑटोमेटिकली ऑन होने के, तो उसके बाद ही वो काम आएगा, पर उससे पहले तो क्या ही काम आएगा वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और पावर की के ऊपर एक वाइट कलर की LED दे रखी है, ऑन हो जाता है जब लैपटॉप तब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी के साथ हमें ये कुछ पावर अडैप्टर देखने को मिलता है, चार्जर इसका क्या काम। ठीक है, तो देखो ये जो चार्जर है ना, इसकी चाहे तुम पिन देख लो चाहे तुम ये चार्जर देख लो, मैं दोनों की बात ही बता देता हूँ, अगर ये वाइट कलर का होता तो कोई नहीं कह सकता कि मैकबुक का है या फिर लेनोवो का है, क्योंकि इतनी कॉपी की गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं पहले बता देता हूँ कि कोई फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल सा चार्जर है, मतलब कि ठीक ठाक से टाइम में चार्ज कर देता है लैपटॉप को, और बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो अगर तुम गेमिंग करते हो इस पर तो अराउंड आधा घंटा 30 मिनट्स 40 मिनट्स इतना, इससे ऊपर नहीं जाएगा लैपटॉप। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर ले इसकी, तो बैटरी बैकअप अगर मैं तुम्हें नॉर्मली यूजेज में बताऊँ, मतलब अगर तुम यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, सीरीज़ देखते हो, कुछ अपनी नॉर्मल वर्क करते हो, ब्राउजिंग करते हो, बिजनेस का साइट खोल के बैठे हो, नॉर्मल ज़्यादा हैवी यूजेज वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, तो तुम्हें ये 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देते हैं, और नॉर्मल लैपटॉप के लिए ये बैटरी बैकअप इनफ है। देखो नॉर्मल अगर तुम बात करो तो यार देखो इससे ज़्यादा एक बंदे को क्या चाहिए, 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप अगर है तो इससे ज़्यादा बंदा चलाता ही कहाँ है लैपटॉप, और फिर भी चलाए तो फिर ये किस काम का, ये लगा के चलाओ ना फिर, या फिर चार्ज करो फिर चलाओ, सिंपल। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स की बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड में मिल जाता है एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, फिर मिलता है हमें HDMI 2.0 का पोर्ट, फिर मिलता है 3.2 का USB टाइप ए वाला पोर्ट, उसके बाद एक और USB 3.2 का टाइप ए वाला पोर्ट, फिर एक और मिलता है USB 3.2 का टाइप ए वाला पोर्ट। ठीक है, उसके साइड में एक लाइट दे रखी है पावर की। ठीक है, राइट साइड में देखने को मिलता है एक हेडफोन और माइक का कॉम्बो वाला पोर्ट, और फिर हमें मिलता है एक SD कार्ड स्लॉट। तो देखो इसमें 2 पोर्ट्स की कमी है, बाकी पोर्ट्स बढ़िया हैं सब हैं, सबसे अच्छी बात है कि 3 इसमें टाइप ए के पोर्ट्स दे रखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 पोर्ट्स मिसिंग भी हैं, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो 3.2 का टाइप सी वाला पोर्ट या फिर फास्ट चार्जिंग वाला टाइप सी वाला पोर्ट, वो मिसिंग है। ठीक है, चलो फास्ट चार्जिंग नहीं देना चाहिए, मतलब देना तो चाहिए बट अगर नहीं दिया तो नॉर्मल वाला 3.2 का दे देते तो अच्छा रहता, साथ में हमें एक मेन जो है पोर्ट नहीं दिया जाता, सबके लिए मेन नहीं है लेकिन कईयों के लिए है लैन पोर्ट, जो हमारे ब्रॉडबैंड की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब कि वायर कनेक्शन हो जाता है तो बढ़ाता ही है, तो लैंड पोर्ट देना भी ज़रूरी था, बट
इनके अगर ये पोर्ट्स नहीं है तो इनके ऑल्टरनेटिव भी हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी वेंट्स और एग्जॉस्ट की। तो पीछे की साइड में मिल जाते हैं, यहाँ पे दो वेंट्स दे रखे हैं और जो एग्जॉस्ट हैं, एग्जॉस्ट हम मिल जाते हैं स्क्रीन के नीचे, दो एग्जॉस्ट दे रखे हैं और दो ही वेंट्स दे रखे हैं, तो अच्छी बात है। और नीचे की साइड तुम्हें दो रबर चार रबराइज्ड ये दे रखे हैं, मतलब कि स्टैंड टाइप, स्टैंड भी नहीं कह सकते क्या ही कहोगे तुम, सपोर्ट देने के लिए लैपटॉप को, ठीक, सपोर्ट बनाने के लिए लैपटॉप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट की। तो गेमिंग टेस्ट अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसमें जैसे कि मेरा लैपटॉप नहीं है लेकिन जिसका है उसने इसमें GTA 5 ही डाल रखी है, तो तुम उसका देख लो, उसका पता लग गया तुम्हें अगर FPS वगैरह, तो फिर बाकी गेम्स तो फिर खेल ही लोगे तुम मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन तो थोड़े से लो FPS आएंगे, बाकी अगर इससे भी हाई गेम्स में जाओगे तो लेकिन खेल लोगे, ठीक है। तो इसमें कितने FPS मिलते हैं वो तुम अभी देखोगे, गेमिंग टेस्ट तुम देखो, फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो बात कर लेते हैं हम इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हारा बजट है 50-60, मतलब 50 तक का है, तो तुम इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी, नॉर्मल अपने शौक को पूरे करने के लिए गेमिंग करनी है, तो ये तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। वरना तो भरे पड़े लैपटॉप तो डेल HP भी बहुत चल रहे हैं, अगर तुम्हें ऑफिस वर्क के लिए चाहिए तो डेल HP पे जाओ, बट अगर तुम्हें गेमिंग भी साथ साथ चाहिए तो इस पे तुम कंसीडर करो, बढ़िया लैपटॉप है। देखो रिव्यू मैं इसलिए करता हूँ ताकि बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें कमियां हैं और तुम्हें क्यों ये बाय करना चाहिए, क्यों ये बाय नहीं करना चाहिए। नहीं करने की वजह है तो यार देखो, तुम नहीं करने की बजाय तुम ले सकते हो कि इसमें कुछ अगर तुम्हें हाई एंड गेमिंग करनी है वो इसकी वजह लेने की नहीं है, और साथ में अगर तुम्हें लैन पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर यार देखो, ऑल्टरनेटिव में लैन पोर्ट का यही है यार कि एक अडैप्टर आता है अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो, ये तुम स्क्रीन पर देख रहे होगे, तो अडैप्टर आता है तुम उसे यूज़ करो यार, और क्या, ठीक है। और बाकी बस ये कंक्लूजन, लेना है तो ले लो, नहीं तो यार रिव्यू तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स रोज़ कंपनी बनाती है, उसमें से कोई भी तुम कंसीडर कर सकते हो। बट जितना मैं बताना चाहता था इस लैपटॉप के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जानने की ज़रूरत है एक लैपटॉप के बारे में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी को लैपटॉप लेना हो या तुम्हें लेना हो, अगर किसी को लेना हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में, अगली स्ट्रीम में, अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।